हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेन सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई खबर लेकर आया हूं और वो यह है नई खबर कि ओ लेवल, जितने स्टूडेंट्स ने ओ लेवल करके रखा हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आई और बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है ना, आपके यूपी गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए, जिन्होंने ओ लेवल का कोर्स कंप्लीट करके रखा है उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसमें कुल 904 पदों पर यह भर्ती होने जानी है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर ये पद है कौन से, तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिख के रखा हुआ है कि ये पद है आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के, यानी कि यदि हमसे इंग्लिश में बोले तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है। इन दो पदों पर आपकी बम्पर वैकेंसी आई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर किन किन विभागों में यह वैकेंसी है, तो आइए इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर विभाग का नाम मैंने लिख के रखा है और पद नाम है और दर कुल पद है। यहाँ देखिए एआरओ और एएसओ लिख के रखा है। एआरओ का मतलब यहाँ पर है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और एएसओ का मतलब है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, तो आइए एक नजर डालते हैं। देखिए पहला विभाग का नाम है आपका महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये सारी वैकेंसी लखनऊ की है, तो आपके हेडक्वार्टर में है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसमें एआरओ की वैकेंसी है, यानी कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर यानी सहायक शोध अधिकारी की वैकेंसी है, जिसमें कुल 620 पद हैं। ठीक है ना, इसी विभाग में सबसे अधिक पद हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा विभाग आपका है मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, यानी कि सिंचाई विभाग में भी ये वैकेंसी है और इसमें भी एआरओ यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है, ये जिसमें कुल एक ही पद है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं तीसरा जो विभाग हमारा महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायक परियोजना, ये इसमें आपकी कुल दो ही पद है, ज्यादा पद इसमें रिक्त नहीं है। इसके बाद हमारा अगला विभाग है निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग, इसमें एएसओ की वैकेंसी यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें कुल आपके 225 पद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है आपका फिर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें भी आपकी एएसओ यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी है, वो भी 29 है। ठीक है, इसमें 29 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका एक छठवां पद निदेशक मध्य उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसमें एएसओ है और कुल 9 पद है। आगे देखते हैं सातवां विभाग है महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी आपके एएसओ के 2 पद है। आगे बढ़ते हैं आठवां विभाग जो है आपका वो है आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें आपके कुल 8 पद हैं। और नौवां आपका विभाग है अपर निदेशक राष्ट्रीय बचत उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसमें कुल 8 पद हैं। और इन सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो कुल हमारे कितने पद हैं, 904 पद हैं हमारे। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि आखिर इन 904 पदों के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप लोगों के ओ लेवल बहुत आवश्यक है। यदि ओ लेवल नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा तभी क्लियर होगा, वरना ये फॉर्म सब के लिए नहीं है। ये इसमें स्नातकोत्तर मांगा है, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगा है बल्कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, स्नातकोत्तर मांगा है, स्नातक नहीं मांगा है। और स्नातकोत्तर किन किन विषयों में होना चाहिए वो भी देख लीजिए, आपका मैथ में होना चाहिए, स्टैटिस्टिक में होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या फिर आपके जो मैथ से स्टैटिस्टिक होती है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक होती है, उसमें होना चाहिए। यानी 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 सब्जेक्ट आपको इसमें मेंशन किए हुए हैं। यदि आप इन 5 विषयों के अलावा किसी और से आपने स्नातकोत्तर, किसी और से आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इस
के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा सेकंड पॉइंट है डोएक, यानी डोएक से आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो कंप्यूटर साइंस का एक साल का डिप्लोमा आपके पास है तो वो भी आपका एप्लीकेबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होंगे कि क्या सर मैंने जो डीसीए किया था, जो मैंने डीसीए किया था एक साल का, क्या वो वैलिड होगा? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस में यदि आपने एक साल का डिप्लोमा किया है तभी वो वैलिड होगा, क्योंकि वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं आयु, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि कम से कम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, आपने 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु को पार ना किया हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। और आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं कि आगे इसका रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ है, तो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन आज ही से प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 19 सितंबर 2019 से इसका एप्लीकेशन भरना यानी फॉर्म अप्लाई करना प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 9/10/2019 है, यानी कि 9 अक्टूबर 2019 है। यदि इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप 16 अक्टूबर 2019 तक संशोधन भी कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं दिया जाता था लेकिन इस बार आपको दे दिया गया है कि आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं यदि आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते टाइम। अब हम आते हैं फीस के बारे में, तो देखिए जो आपका फीस है, यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं यानी जनरल से हैं तो आपको 185 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी, ओबीसी से हैं तो आपको 185 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी, एससी एसटी से हैं तो आपको 95, और यदि आप हैंडीकैप कोटे में आते हैं तो आपको मात्र 25 रुपए का ही शुल्क देय होगा, ठीक है ना, इस बात को समझ लीजिए। अब यदि हम वेतन क्रम की बात करें तो ये सभी पर, चाहे एएसओ का है और चाहे आपका एआरओ का है, सबके सब आपके 4200 ग्रेड पे पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब बात आती है कि सर यदि हम इसका फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, हमारे पास ओ लेवल भी है, सब कुछ कर लेते हैं, तो सर ये बताइए कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो इसमें सैलरी आपको सबसे पहली सैलरी आपको लगभग 40,000 रुपए मिलेगी, ठीक है ना, 40,000 रुपए लगभग आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी तो काफी अच्छी है। और ये एक बात बता दें कि ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, बस यही समस्या हो गई है, ठीक है ना। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई जिन्होंने एमएससी किया हुआ है गणित से, सांख्यिकी से, या फिर वाणिज्य है यानी कि एमकॉम है, अर्थशास्त्र है, गणित सांख्यिकी है, इन पांच सब्जेक्टों में से यदि आपने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ठीक है ना, यदि आप फॉर्म इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि तो लगभग 10 से 20 हजार के आसपास ही केवल स्टूडेंट्स होंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और जिसमें से माना जाए तो लगभग 40% स्टूडेंट तो एग्जाम नहीं छोड़ देते हैं, यानी कि केवल 50% स्टूडेंट, यानी कि 8 से 10 हजार स्टूडेंट के बीच आपको फाइट करनी है और लगभग 904 आपके पास पद है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो ये जॉब आपकी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ यदि आपको कोई भी समस्या होती है इससे रिलेटेड, यदि आप फॉर्म अप्लाई नहीं करना कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी समस्या होती है जिसमें लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, ठीक है ना, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के आप 7844997666 नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको जितना हो सकता है मुझसे मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।